बिस्मरिमैक्म वेलकम बैक और जनाबे वाला आज हमारा लेक्चर जौन सा है वो नंबर सिक्स है और नंबर सिक्स लेक्चर के अंदर आज हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़नी हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ों से पे जाने से पहले हल्की सी रिवीजन पे नज़र मार लेते हैं ये सबसे ज़्यादा बोरिंग स्लाइड है मेरे ख्याल में इस प्रेजेंटेशन के अंदर क्योंकि आप लोग कहते होंगे ये बार बार पढ़ लेते हैं मगर जस्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ एंड यूर सेल्फ कि हम लोग खड़े कहाँ पर हुए सो अब हम लोगों को पाइथन की बेसिक इंस्टॉलेशन आ गई हमने फर्स्ट प्रोग्राम बना लिया हमें वेरिएबल आ गया हमें यूजर की इनपुट लेनी आ गई एंटर योर नेम और आप अपना नाम लिखते हैं वेलकम काशिफ हम लिखवा लेते हैं कोट uh, ब्लॉक का हमें अंदाजा हो गया हमें कंडीशंस व्हाट इफ एल्स वाली कंडीशंस पता चल गई कुछ बेसिक पाइथन के फंक्शन मैथ वाले फंक्शन हमने देखे थे लास्ट टाइम और भी मैं भूल गया कि आप देखा था स्ट्रिंग मैन्युपलेशन हमने देख ली प्रिंटिंग ऑफ स्ट्रिंग देखी और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और कुछ लोगों ने होमवर्क का रिप्लाई दिया ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आप लोगों को सच बताऊं तो मैं होमवर्क नहीं देख रहा ये आप लोग ओल्ड एनफ है आप लोगों ने देखना है क्योंकि कुछ लोग ये सीरीज जो से है एक साल के बाद पढ़ रहे होंगे दो साल के बाद पढ़ रहे होंगे उस टाइम हम लोग पता नहीं क्या बना रहे होंगे तो लिहाजा अभी भी मुझे याद है कि जो सी सी एन ए के मैंने पुराने लेक्चर दिए हैं उसके होमवर्क आई पी ए ड्रेसिंग की बाइंड्री कन्वर्जन आ रही होती है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं आपको होमवर्क कहता हूं तो इसका ये हरगिज मकसद नहीं है कि आप मुझे वो वापस भेजें वो आप लोगों ने अपने तौर पे करना है और उसके बाद हमने पाइटॉक देखी स्फिंक्स uh, के बारे में हल्की सी बात की और आज के लेक्चर के अंदर मगर इस लेक्चर में जाने से पहले एक रिमाइंडर क्विकली कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क ऑन आवर फेसबुक टेक्निकल डिस्कशन क्योंकि उर्दू आईटी का जो एडमिन वाला मेल बॉक्स है या वो करियर रिव्यूज वाला मेल बॉक्स है सी वाला मेल बॉक्स है उस पर आप लोग क्वेश्चन भेज देते हैं और वो क्वेश्चन आंसर नहीं होते फिर आप लोग थोड़े नाराज भी हो जाते हैं तो लिहाजा क्वेश्चन अगर आपने भेजने हैं तो फेसबुक वाले पेज पर पे भेजें जहाँ लोग आपको हेल्प करेंगे उर्दू आई टी आप लोगों के हर बंदे की इंडिविजुअल क्यूरीज की हेल्प नहीं कर सकती अनफॉर्चुनेटली रिसोर्स अवेलेबिलिटी इश्यू है हमें सही हो गया और आगे चलें तो एजेंडा आज का हमने लूप्स को देखना है मुझे लगता था मैंने लूप पढ़ा दिए हैं मगर फिर एकदम ख्याल आया कि शायद लूप नहीं पढ़ाए मैंने हम लूप्स को देखेंगे रीड राइट नेटवर्क डिवाइसेस इन्फॉर्मेशन अच्छा ये रीड राइट नेटवर्क डिवाइसेस इन्फॉर्मेशन को अगर आप फाइल हैंडलिंग की कैटेगरी में डाल देना तो ज्यादा बेहतर है कि रीडिंग अ कॉन्टेंट्स फ्रॉम अ फाइल राइटिंग अ कॉन्टेंट टू द फाइल फाइल हैंडलिंग मुझे अच्छी तरह याद है जब हम बी कर रहे थे तो फाइल हैंडलिंग सी प्लस प्लस की लेटेस्ट सी की बुक करना लास्ट चैप्टर हुआ करता था अब भी होगा और वो बुक उधर तक पहुंचता ही नहीं था अल्लाह के फजल से उससे पहले ही में उसको खत्म हो जाता था मगर डाटा आर्किटेक्चर को आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाती थी तो एक दिन मैंने बैठे हुए ने वो फाइल हैंडलिंग देखी तो उससे मैंने क्या कुछ करने की कोशिश की दैट एंड अप बीइंग अ वायरस और उसको ऑटो एक्सिक बैच में डाल दिया एनी वेट्स एवरी टाइम आई डू अ फाइल हैंडलिंग थ्रू द कोड इट्स एन अमेजिंग एंड वेरी वेरी पावरफुल फीचर ओके कभी कभी जस्ट जस्ट अ क्विक वार्निंग कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी फाइल को राइट करना चाहते हैं ना तो वो कहता है कि यार आपके पास राइटिंग की परमिशन नहीं है तो जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी ड्राइव के अंदर किसी कोड को राइट नहीं करने देते तो आप किसी फोल्डर के अंदर राइट करवाएं या फिर उस कोड को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज पर रन करें लाइक जब कमांड प्रॉम्प्ट को राइट क्लिक करके रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्योंकि यहां पर मैं आपको इज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक जो आई है या टेक्नोलॉजी है उसका पता है लूप्स सो लूप्स लूप्स क्या है एक code, है एक ऐसे ऐसी कोड कोड सेट ऑफ जो आपको किसी चीज को रिपीट करने में मदद देती है क्योंकि बहुत सारे फीचर्स जो अपने प्रोग्रामिंग है वो बार बार करने होते हैं जो रिपेटिटिव टास्क है तो रिपेटिटिव टास्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज को रिपीट कर रहे हैं इसमें जिस तरह अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखें मैंने आज राइटिंग पैड नहीं यूज किया हुआ फॉर आई फॉर आई आई एक वेरिएबल है इन

ब्रेक नहीं करेगा और इस तरह चलता रहेगा जब तक यहां से ब्रेक ना हो जब ये ब्रेक होगा तो ये कोड ब्लॉक से निकल के बाहर चला जाएगा सही हो गया अब इसी तरह ये यह पे दूसरा टाइप ऑफ लूप है उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है हमने कॉन्टिन्यू का फंक्शन यूज किया हुआ बजाय इसके कि ब्रेक लूप कंडीशन विल नॉट बी एवेल्युएटेड आफ्टर द ब्रेक जिस तरह ब्रेक हो जाएगी उसके बाद लूप की कंडीशन नहीं होगी सही है आगे आगे नहीं चलेगा वो उसको वहीं ब्रेक कर देगा लूप को अब यहाँ पर क्या हमने कॉन्टिन्यू लगाया हुआ है कि अगर ये ये कंडीशन मीट हो रही है तो फिर इसको चलाए अब जब हमने फोर आई इज इक्वल टू जीरो फोर फाइव दे दिया और हमने आई को कहा दो और आई की वैल्यू चार हो सही हो गया तो उसको कंटिन्यू करें और प्रिंट करें तो होगा क्या रिज्यूमिंग क्या कर रहा था? क्या करती है? कि जिस तरह ही आपके में ब्रेक करती है अच्छा कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट जो है वो क्या करेगी कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट आपके लिए ये करती है कि आपकी जो वैल्यू है जिस तरह ही आपकी ये वैल्यू ट्रू होती है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है स्किप कर देती है नेक्स्ट इटिडेशन ऑफ अ लूप को ठीक है जो वैल्यू जो भी कोड रन होना था एंड रेस्ट ऑफ द करंट ब्लॉक करॉकिन्यूस मसलन uh, जिस तरह ही हमने वैल्यू की मीट नहीं हो रही प्रिंट कर देती है टू मीट होगी उसने स्किप कर दिया प्रिंट नहीं होगा आपका ठीक है टू प्रिंट हो नहीं होगा थ्री प्रिंट होगा फोर नहीं प्रिंट होगा और फाइव प्रिंट होगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए अंडरस्टैंड करना कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रही है कि जिस तरह ही आपके पास ब्रेक uh, स्टेटमेंट आती है फोर लूप के अंदर तो वो उसको वहीं पे ब्रेक कर देते इफ इज इक्वल टू टू ब्रेक कर दिया अब उसे आगे इस्पेक्टिव आपके पास जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं रन होगी ये देखें जीरो जीरो वन टू दैट्स इट क्योंकि आपके प्रिंट की स्टेटमेंट ऊपर लगी हुई है जीरो प्रिंट हुआ वन हुआ टू प्रिंट होगा और उसके बाद नहीं आप आप पूछ रहे यार two क्यों प्रिंट हो रहा है क्योंकि प्रिंट की स्टेटमेंट ऊपर लगी हुई है इसकी स्टेटमेंट के नीचे तो ये लॉजिकल थिंग है ठीक है uh, क्योंकि उसने ब्रेक ने क्या किया आपके लूप को एंड कर दिया Continue के अंदर लूप एंड नहीं हो रहा कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या कर रही है स्किप कर रही है इटिशन और बाकी कोड ब्लॉक स्किप करके अगली वैल्यू चेंज होकर आप दोबारा प्रिंट की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं ब्रेक की स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक हो रहा है क्विक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसकी आ, मैं भी आज आज ही अपना कोड देख रहा था और मुझे मैं हैरान हुआ मेरे ख्याल में हमने ये ये कोड नहीं देखा हुआ तो वैसे ही मेरे ख्याल में मैं जब पाइथन की तैयारी कर रहा हूँ उस टाइम ये बनाया होगा देखो वाइल लूप जिस तरह वाइल्ड एक्स इज इक्वल टू लेस लेस देन फाइव प्रिंट एक्स करे एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन चलता रहेगा जब तक तो फाइव नहीं होगा इसके अंदर फोर पाइथन ओनली हैव टू टाइप ऑफ लूप वाइल एंड फोर लूप फोर लूप

पहले हम ये लूप करते हैं फिर हम ये वाला लूप करते हैं फिर ये लूप करेंगे फिर ये लूप करेंगे ये लिस्ट है सही हो गया तो इससे इससे जान छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको कर लेते हैं हम लोग हैश कर लेते हैं। सही हो गया इसको करा लेते हैं सेव कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं ये क्या है भाई सी डी स्पेस पाइथन मेरे ख्याल में क्या हमने भी फोल्डर बनाया हुआ है सी डी स्पेस रीड एंड राइट के अंदर है डी आई मैंने कोड इसलिए पहले लिख के रखे हुए थे ताकि हमें कोड टाइप करने में देर ना हो क्योंकि फिर जो सा है टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा ठीक है आ, पाइथन लूप डॉट फाई ठीक है

बाद में कराता हूँ, ठीक है नेस्टेड लूप एक दफा बना के देख लेते हैं अच्छा अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या होगा आपने अपने लिए क्वेश्चन पूछना है कि if i is equal to 2 प्रिंट i करेगा ये ब्रेक होगा या प्रिंट होगा ठीक है 0 1 2 प्रिंट होगा या 0 1 प्रिंट होगा ये आप आप लोगों को मैंने चीट शीट दी हुई है तो आप लोगों को पता है तो ज्यादा स्मार्ट ऐसे ना बने अह ये रन करके देखते हैं ठीक है लूप प्रि प्रिंट किया अबे चल जाना a10 not right loop.py सही हो गया ये ऊपर वाला कोड है हमारा उसको इग्नोर करें जीरो प्रिंट हुआ पहली वैल्यू i की वैल्यू जीरो हुई प्रिंट i किया i बड़ा नहीं है 2 से वापस चला गया i इक्वल नहीं है 2 के दोबारा चला 1 हुई वैल्यू 1 प्रिंट 1 किया उसके बाद i इज इक्वल टू 2 नोप आगे चला टू की वैल्यू प्रिंट की प्रिंट कर दी 2 इक्वल ब्रेक हो गया अब यहाँ पे हमारा पूरे का पूरा कोड ब्रेक हो चुका है सही हो गया अच्छा अब इसे अलावा रेंज इन दाइव रेंज की रेंज की चला लेते हैं ठीक है रेंज क्या करेगी के रेंज फाइव देखते हैं कंट्रोल एस इसको भी कर देते हैं i इक्वल टू से वो आई के अंदर जो है वो कंट्रोल शिफ्ट की मेरे ख्याल में कोई एक डायरेक्ट की है जिसके जरिए आप जो सा है उसको पूरे के पूरे को करा सकते हैं रेंज इज इक्वल टू फाइव जीरो से लेके फाइव तक रेंज कर दी अगर इसको सिक्स कर दे मेरे ख्याल में वन टू फाइव थी मगर सिक्स करके देखते हैं ये मेरे ख्याल में जीरो से शुरू करता है ठीक हो गया जीरो वन टू थ्री फोर फाइव अब आगे चलते हैं आगे है लिस्ट फोर एक्स इज इक्वल टू प्रिंट प्रिंट करा दें भैया आप अगर लिस्ट ठीक है वन टू थ्री फोर तमाम प्रिंट को लिस्ट करा दिया लूप है अच्छा नेस्टेड लूप क्या है कि अगर कोई बात ट्रू है फॉर इन द रेंज ऑफ वन टू फाइव आई इज इक्वल टू टू ब्रेक ओके इनर लूप से ब्रेक करेगा आउटर लूप से ब्रेक नहीं करेगा ये नेस्टेड लूप है मगर मेरे ख्याल में अभी हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं करते मैं थोड़ा सा अटेम्प्टिड हूँ कराने के लिए मगर मेरे ख्याल में ना अभी आप लूप पे प्रैक्टिस कर लें अगर हमें कहीं जरूरत पड़ी आगे प्रोग्रामिंग के अंदर नेस्टेड लूप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डोंट गेट मी रॉन्ग नेस्टेड लूप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मगर इस फॉर द सेक ऑफ दिस सीरीज या दिस डिस्कशन जो उन चीज हम करना चाह रहे हैं इस टाइम इस टाइम मेरे ख्याल में अभी हम बेसिक्स की तरफ फोकस कर रहे हैं तो लेट्स 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 स्टे फोकस्ड ऑन द बेसिक्स अब आगे मूव करते हैं आगे अब हमें लूप्स का अंदाजा हो गया क्योंकि लूप काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी चीज रिपेटेटिवली यूज हो रही है ठीक है वाइल एंड फोर लूप आगे मूव करते हैं आगे मूविंग का uh, मकसद है इनपुट एंड आउटपुट ठीक है इनपुट आउटपुट क्या

तो आपके लिए जो सा है ये करना बहुत लाजमी है क्योंकि अक्सर दफा आप ऐसा होंगे कि स्विच में लॉग इन होकर इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे या टेक्स्ट फाइल से इंफॉर्मेशन उठा के तमाम स्विचेस को कनेक्ट कर रहे होंगे सिर्फ एग्जांपल उसमें हंड्रेड आईपी पी ड्रेस पड़े हुए हैं और उनके आई के वर्जन पड़े हुए हैं या आई के वर्जन एस करके एक्सट्रैक्ट करके फाइल में आप अपलोड कर रहे होंगे मगर आज का आज का मकसद सिर्फ यह है कि आपको फाइल में से कोई इन्फॉर्मेशन निकालना फाइल में वाइट स्पेसिस को क्लियर करना ठीक है सबसे पहले करते हैं रीड अ फाइल ठीक है रीडिंग अ फाइल अच्छा ये बड़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये ना, मैं न खुद में जब फंसा हुआ था तो मैं देख रहा था पाइथन हेल्प और ओपन पाइथन भाई क्या पाइथन की स्पेलिंग गलत लिखे हुए थे हाँ गलत लिखे हुए थे स्पेलिंग ठीक है हेल्प ओपन अच्छा मेरे साथ ज्यादा ये हो रही है कि मुझे न बार बार डिफरेंट किस्म के मोड्स में जाना पड़ता है लाइक like, लिनिक्स में क्योंकि आज हम लिनिक्स पे भी एक एग्जीक्यूट uh, करेंगे ठीक है हाउ टू बिल्ड इन फंक्शन ओपन इन द मॉड्यूल ठीक है फाइल इज आई टेक्स्ट और बाइट स्ट्रिंग जो भी है करेक्टर ओपन फॉर रीडिंग बाई डिफॉल्ट ओपन फॉर राइटिंग ट्रंकेटिंग द फर्स्ट फाइल क्रिएट न्यू फाइल और ओपन फॉर राइटिंग ओपन फॉर राइटिंग बाइनरी टेक्स मोड ये सारी चीजें आप लोगों ने खुद देखनी है ठीक है आर टी नॉर्मली कुछ लोग आर लिखते हैं कुछ आर टी लिखते हैं

रीड लाइन्सम सारी की सारी लाइन्स रीड करेगा रीड वन लाइन एट अ टाइम रीड लाइन रीड अ स्पेसिफिक करेक्टर लाइक आप कहते हो फाइल के पहले दस करेक्टर रीड कर ले क्यों करते हैं अक्सर हम लोग सिक्योरिटी के अंदर कहते हैं जी फाइल के ओपनिंग इतने करेक्टर्स रीड करके बता दो फाइल के अंदर क्या पड़ा हुआ है ठीक है और हम यहाँ पे क्या करेंगे अगर मैं आपको ये दिखाऊं नेटवर्क फाइल सिंपल वेरिएबल है उसको कहा है ओपन करें एक फाइल जिसका नाम है नेटवर्क और उसको आरटी रीड ओनली टेक्स्ट फाइल फाइल बेस्ट आर भी लिख देंगे काम करेगा ठीक है आरटी इज इक्वल टू रीड टेक्स्ट फाइल सिंपल इतना सा काम है हम ये काम करके देखते हैं अच्छा इस काम को करने के लिए ना मुझे याद पड़ता है मैंने नहीं है यानी है लिनक्स में चलते हैं क्योंकि मैंने लिनक्स में बनाया था लिनक्स भैया आई होप आप सबको नजर आ रही है लिनिक्स ये हमारा पाइथन है खुल जाओ माइंड कर करिए यह मुझे नजर नहीं आ रहा एक सेकंड लेनिक्स ट्रबल शूट करनी पड़ेगी भैया अच्छा जी वेलकम बैक मुझे राइट क्लिक ओपन इन ओपन विद अदर एप्लीकेशन करके ये करना पड़ा तो चल गया मुझे नहीं पता क्यों क्या मसला आ रहा था अच्छा अब मसला ये है कि अब हमने इसके अंदर ना थोड़ा सा रीडिंग फंक्शन यूज करना है ठीक है अब रीडिंग फंक्शन के लिए सबसे पहले ओपन टर्मिनल टर्मिनल ओपन हो गया इसको जूम इन कर देते हैं थोड़ा सा और कर लेते हैं ठीक है, है? ये मेरे ख्याल में आप लोगों को नजर आ जाएगा रिकॉर्डिंग के अंदर अच्छा जी यह मेरे पास नेटवर्क की फाइल है और इसमें ये वैल्यूज़ पड़ी हुई है ठीक है यू आई टी एस स्विच का नाम उसका आई ओ एस नंबर उसका आई पी एड्रेस उसका यूज़र और उसका पासवर्ड अब मैंने इस इन्फॉमेशन को डिस्प्ले करवाना ठीक है फाइल रीड करके तो मेरे पास कोड है ओपन ओपन विद अदर एप्लीकेशन और सब लाइव में खोल लेते हैं ठीक है और इसको भी थोड़ा सा व्यू में जूम इन कर सकता हूँ इसको

रीड कर रहा हूं फाइल लाइन बाय लाइन मैंने कहा नेम वेरिएबल दे दो पहली लाइन को ठीक है पहली जो लाइन मैंने रीड की है रीड लाइन कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा, तो एक एक लाइन रीड कर रहा हूं पूरी की पूरी मैंने कहा नेम जो भी पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ उसको नाम दे दो ठीक है उसका नाम हो गया नेम उसके बाद रीड लाइन दूसरी करो उस उसमें जो वैल्यू आपको मिले उसको आईओ एस कह दो तीसरी लाइन रीड करो आई पी होगा वो और उसको उसमें स्टोर करा दो यूजर नेम कह दो चौथी को और पांचवी को पासवर्ड कह दो ये सारी वैल्यूज हमने रीड कर ली उसके बाद हम लोगों ने क्या किया अब हम लोग कह रहे हैं प्रिंटिंग द इन्फॉर्मेशन प्रिंट किया होस्ट नेम सिंपल कॉन्स्टेंट है और उसके आगे ये वेरिएबल कॉल कर लिया ये वेरिएबल कहाँ पड़ा हुआ ये यहाँ पर आई ओ एस का वेरिएबल कहाँ पड़ा हुआ ये क्या था ये दूसरी लाइन जो रीड हुई है अगर ये यहाँ पे मैं फाइल के अंदर जाके दो चार चीजें चेंज कर दूं तो ये सारी बात गड़बड़ हो जाएगी मगर ये कहाँ हो सकता है ये ऐसी जगह जहाँ आपको एग्जैक्ट पता है कि यार यहाँ पे जो मुझे आउटपुट मिल रही है वो इसी सीक्वेंस में मिल रही है अब आप बात समझ रहे हैं जो आउटपुट मिल रही है वो मुझे इसी सीक्वेंस में मिलनी चाहिए अच्छा चलते हैं कोड की तरफ पाइथन ठीक है ये लिनक्स में ये आसानी है मगर सबर करो मुझे मेरी घटिया लिनक्स की स्किल्स तो देख लो सी डी स्पेस डेस्कटॉप एंड एल एस सी डी स्पेस पाइथन एल एस हाँ ठीक है ना यहीं पर थे हम लोग ओपन का ओपन का कोड है Python Python open py ये अच्छी आउटपुट नहीं आई ये वो आउटपुट नहीं है जो मैं चाह रहा था मैं अब इसको पाइथन थ्री में रन करके देखता हूं ये आउटपुट मुझे चाहिए समझ आई क्या हुआ मसला अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो कोई मुश्किल नहीं है पायथन की कमांड्स अगर आप मेरे पुराने वाले लेक्चर देखें तो 2.something 2.7 चल रहा था अगर मैं यहाँ पाइथन लिखूं तो ये 2.7 है कंट्रोल जेड किया अगर मैं पाइथन 3 लिखूं ये तो ये कोड पाइथन 3 का लिखा हुआ था इस वजह से उसकी आउटपुट देखें वो कितना नाराज किस्म की आउटपुट है अभी भी इतनी अच्छी आउटपुट नहीं है होस्ट नेम है उर्दू आईटी स्विच 1 Uh, ये प्रेजेंटेबल इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने इसको ऐसे नहीं डिस्प्ले करना आपने इसको होस्ट नेम आईओएस आईपी एड्रेस यूजर नेम पासवर्ड और इसको ऐसे प्रेजेंट करवाएं आप अगर आप करवा सकते हैं स्पेसिस देनी पड़ेंगी बहुत सारे स्पेस देने के लिए पाइथन में क्या यूज होता है मैं नहीं आपको बता रहा सही हो गया तो ये मुझे आउटपुट मिल गई अब मुझे आउटपुट मिल गई और ये मेरे पास प्रेजेंटेशन आ रही है ठीक है पाइथन थ्री ओपन हेलो उर्दू आईटी स्टूडेंट तो वैसे मैंने शुगल के तौर पे लगाया हुआ उसने फाइल में से पहली ये ये सिर्फ प्रिंट की स्टेटमेंट है उसने यूजर नेम होस्ट नेम उठाया आईओएस उठाया आईपी एड्रेस उठाया यूजर नेम उठाया पासवर्ड उठाया सही हो गया अच्छा अगर मैं इस इधर ही जाके किधर गया भैया फोल्डर वो मेरा इतना बड़ा नहीं करना इधर जाके अगर मैं इस आईपी एड्रेस की जगह इसको उठा के आईपी एड्रेस की जगह पेस्ट कर दूं सिस्को वन टू थ्री

अननेसेसरी स्पेस सही है तो अभी हम इसको ओपन विद अदर सबलाइन में खोलते हैं ये आपकी अब इसमें और इस कोड में थोड़ा सा फर्क है और फर्क क्या है स्ट्रिप ठीक है रीडिंग डिवाइस इंफॉर्मेशन लाइन बाय लाइन वही काम कर रहा है जो आप पहले कर रहे थे मगर स्ट्रिप कर रहा है उसके आखिर में जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी वाइट स्पेसिंग है उसको स्ट्रिप कर देगा अगर मैं इस कोड को अब रन करूं ना ओपन वाइट स्पेस है ओपन open...

नहीं करना रीड uh, पाइथन अच्छा ये ये रीड की स्टेटमेंट है रीडिंग का फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं किसी भी फाइल को रीड करने के लिए अच्छा आगे चलते हैं वाइट uh, स्पेसिस को से जान छुड़ाने के लिए हम लोगों ने क्या किया स्ट्रिप स्ट्रिप को यूज किया ठीक है रीड लाइन के साथ डॉट स्ट्रिप उसके बाद रीडिंग फ्रॉम अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यूजर इनपुट भी रीड करनी पड़ती है ठीक है उसके लिए स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड आउट की फंक्शंस हमारे पास हैं मगर हम लोग उसको इतनी डिटेल में डेल्व इन नहीं करेंगे इम्पोर्ट सेज फॉर लाइन इन सेज एडमेन प्रिंट लाइन कि जो भी एंट्री uh, आप आ रही है वो आप यूज कर सकते हो इसी तरह रॉ इनपुट है रॉ इनपुट भी आप यूज कर सकते हो अच्छा 2.7 और 3 के अंदर ना कुछ मेरे ज़ाहिर मुझे इतना ज्यादा इंटेंसिव हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे अपने डाटा साइंटिस्ट से बात करनी पड़ी उसने कहा काशिफ रॉ इनपुट और इनपुट दोनों फंक्शन है कुछ रॉ इनपुट की कुछ लिमिटेशन है कुछ इनपुट फंक्शन की लिमिटेशन है कुछ स्पेशल करेक्टर्स को वो इनपुट नहीं सही से ले रहा होता अगर आपको याद हो तो अगर हमें किस आई के अंदर ये बहुत पुरानी बात होगी कि आई के अंदर अगर आप एक पासवर्ड देते थे और उसमें पाउंड सिंबल होता था ना जिसको वो पासवर्ड सेव नहीं करती थी पाउंड के बगैर अक्सर नेटवर्क इंजीनियर पासवर्ड लगा के बेचारे फंस जाते थे लॉकआउट हो जाते थे उसकी वजह थी कि वो उसकी इनपुट इनपुट जो या का जो फंक्शन जिस कोडिंग में में लैंग्वेज था वो पाउंड सिंबल को इंपोर्ट नहीं करता तो फिर फिक्स हो गया था या पता नहीं, अभी छोटा को so, तो सा कोड लिखा हुआ अब लूप लगा और प्रिंट द लाइन ठीक है ये जो आप डेटा इनपुट करते हैं ये एज अ स्ट्रीम आ रही होती है और जिसने स्ट्रीम फिनिश होती है इसको अगर मैं रन करूं अच्छा मैंने आपको हेल्प दिखा दी थी यहां से कंट्रोल जी करके एग्जिट हो जाते हैं कंट्रोल जी है ना ठीक है और पाइथन और इसका क्या नाम है रीड डॉट पाइथन सही है अब ये मेरी इनपुट का इंतजार कर रहा है एंटर उसने उसको रीप्रिंट कर दिया वो प्रिंट लाइन करवा रहा हूँ ना अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लाइन ट्वाइस करवा दू इस कोड को प्रिंट लाइन और यहाँ पे प्रिंट लाइन मुझे नहीं पता ये तीन दफा प्रिंट लाइन चलेगी या नहीं लेड तीन दफा चल गई सही है तो ये यूजर इनपुट आप ले रहे हो और उसके बाद आप उसको कुछ भी कर सकते हो प्रिंट लाइन नहीं करना चाह रहे हो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा के कहीं आगे यूज कर रहे हो मुझे नहीं पता पासवर्ड जब एंटर कर रहा है यूजर तो क्या कर रहे हो मगर खैर पासवर्ड की एंट्री आप यूनिक करवाते जाहिर ज्यादा पासवर्ड लिख रहे हो तो आपके स्क्रीन पे नहीं आता मगर ये भी एक यूजर इनपुट के का तरीकेकार है लेने का मगर उसके अलावा आप रॉ इनपुट भी ले सकते हो फू इज इक्वल टू पुट योर मैसेज इन टू इट एंड इट वुड इट वुड प्रोड्यूस यू एन आउटपुट ओके okay, आप, आप इनपुट सेव कर सकते हैं एफ डब्लो एक वेरिएबल बन गया और उसके अंदर आपने रॉ इनपुट ले लिया आपको ये कॉन्सेप्ट जनसे अब तक काफी हद तक क्लियर हो जाने चाहिए ठीक है अच्छा हमने रीड हमने लूप बना लिया हमने रीड कर लिया अब हम अगला काम करते हैं राइटिंग यार राइटिंग भी तो करवाओ ना ठीक है राइटिंग इन अ फाइल एडिंग ए स्ट्रिंग सबसे पहले उसी तरह राइटिंग माई स्ट्रिंग ये <laughs> ये एक वेरिएबल है उस वेरिएबल के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर मतलब इस पाथ के ऊपर एक फाइल बनाए टेक्स डॉट टी एक्स टी और उसको राइट मोड के अंदर ओपन करना है ठीक है और माई फाइल डॉट राइट माई फाइल ये और उसमें राइट क्या कराना है माई स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कहां से आ रहा है ये आपका स्ट्रिंग आ रहा है और उसके बाद आपने फाइल क्लोज करा दी वाला आपकी फाइल बन जाएगी सही हो गया सिंपल सिंपल है एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या चीज है ये ताकि आप लोगों को सारों को क्लियर हो जाए इरेज ऑल मैंने पकड़ी हुई उसने अच्छा अड़े जाने देना माई स्ट्रिंग वेरिएबल रिटर्न बाय उर्दू फुल स्टॉप ये एक वेरिएबल है हमने लिया इसमें लिख के साइड पर रख दिया ठीक है इसको समझ लो ये वेरिएबल है और इसके अंदर हमने ये इंफॉर्मेशन लिख दी अब माई फाइल मैंने कहा उसको ओपन करे इस पाथ पे ये वाली फाइल और उसके अंदर उसको राइट मोड में ओपन करे और उसके बाद क्या करे ये माई फाइल के अंदर राइट कर दे वैल्यू और उसके बाद इस फाइल को क्लोज कर दे सिंपल ये फाइल क्लोज हो जाएगी और आपकी वैल्यू उसमें सेव हो जाएगी लेट्स कोड कोड क्या करना हमने कोड किया ऑलरेडी राइट right. मेरे ख्याल में ये टेक्निक बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें ना मेरा बहुत ज्यादा टाइम बचता है ठीक है माय स्ट्रिंग रिटन बाय उर्दू आईटी एकेडमी माय फाइल ये माय फाइल है माय फाइल को राइट किया माय स्ट्रिंग माय फाइल को क्लोज कर दिया ये रीडिंग इट बैक जो सर मैंने बाद में एहतियातन बनाई थी मैंने कहा यार ये भी फन है नहीं था इस फाइल को रीड भी कराएंगे हम मगर वो बाद में कंट्रोल एस ठीक है मगर इसमें जाने से पहले मैं आपको पहले रीड एंड राइट के अंदर देख लें कोई फाइल नहीं पड़ी हुई हम इसी पाथ पे किड्स पाइथन रीड राइट के अंदर टेक्स्ट राइट करवा रहे हैं सही हो गया पाइथन पाइथन के अंदर फाइल का नाम क्या है भैया राइट ओके राइट डॉट पाइथन एंटर देखते हैं फाइल रिटर्न हुई है या नहीं और ये आपकी वाला आपकी टेक्स्ट राइट रिटर्न बाय ये रिटर्न के स्पेलिंग मेरे ख्याल में गलत है ये हालात है मेरे अच्छा आँ...

क्योंकि अब हमारे पास फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है लिहाजा पहले देख लेना कि फाइल आपने राइट की हुई है वरना फिर आप रीड नहीं कर सकते जाते हैं रीड क्या हुआ आपके लिए आपने रीड का जो फंक्शन में से फाइव वैल्यूज जो सी हैं वो फाइव करेक्टर्स आपने रीड किए थे जबकि आप इसको खत्म कर देंगे तो इसके अंदर फिर बफर ये बफर ये कह सकते हो आप इसका इसका बफर साइज है ये फाइल फाइल डॉट रीड और उसको रीड करने के लिए आपको सिर्फ इतनी सी जगह चाहिए समझ आ गया तो बड़ा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पेसिफिक चीजें हैं वट आई वुड सजेस्ट यू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन फाइल को रीड करें राइट करें एक जगह से वैल्यू उठा के यूजर की इनपुट करें जो स्टैंडर्ड इनकी लाइब्रेरी है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें उससे के जरिए यूजर की इनपुट लें कि क्या रखवाना चाहता है और वो उसको इनपुट करके देखें ये होमवर्क होना चाहिए आपका ऑन द फ्लाई बन गया ठीक है कि इस यूजर की इनपुट को फाइल बना के उसमें राइट करवाएं ठीक है बल्कि इससे भी आगे चलते हैं उससे आगे क्या करते हैं हम उसको आपको कहते हैं कि यहाँ पर एक फाइल बनाएं ये मुझे भी नहीं पता ये होगा या नहीं यहाँ पे एक यूजर को कहें वट इज द नेम ऑफ द फाइल यू वॉन्ट टू क्रिएट और यूजर बताएगा जी मैं ये फाइल क्रिएट करना चाहता हूं यहाँ पे उस वेरिएबल को कॉल करें सही हो गया कैसे कॉल होगा मुझे भी नहीं पता थोड़ा सा खपना पड़ेगा और उसके बाद जिस तरह फाइल राइट हो जाए उसको कहें अब बोलो जी क्या कंटेंट रीड कर, राइट करवाने हैं और फिर एस इन के जरिए वहां पे कंटेंट राइट करवाएं और उसके बाद फाइल को क्लोज करें उसके बाद फाइल को रीड करें और उसमें से कॉन्टेंट रीड करने के बाद आप उसको प्रेजेंट कराएं कि आईपी एड्रेस होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए ओला अमेजिंग होमवर्क बन गया ये मुझे भी नहीं पता कैसा होगा मगर आई बेट के इफ यू सिट डाउन विद अ वेरी क्लियर माइंड एंड अ हॉट कप ऑफ टी तो ये काम हो सकता है कोई रीजन नहीं है वाइट खाण डन थोड़ी सी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी गूगल है, Google है हम सबको गूगल आता है मैं पूरा दिन गूगल पे ही ये काम करता हूं ओके okay, एनीवे anyway. तो आज आज के लेक्चर को यहीं पे समराइज करते हैं प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर मेरे ख्याल में नेटवर्क इंजीनियर्स बहुत एक्साइटेड हैं और प्लीज 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 सेंड मी अ फीडबैक आई एम वेरी ओपन टू क्रिटिसिज्म काशिफ मुझे तुम्हारी आवाज़ पसंद नहीं है मेरे ख्याल में अब तक ये वाला क्रिटिसिज्म तो नहीं आएगा अब तो आप लोग बहुत सुन चुके हैं आप आप भी तंग आ गए होंगे uh, मगर वट आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि यार आप बहुत तेज पढ़ा रहे हो बहुत स्लो पढ़ा रहे हो आप कॉन्टेंट की डेप्थ में नहीं जा रहे या आप बहुत डीप चले जाते हो आप थोड़े हायर लेवल पर रहो या बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही बात समझने से कासर है यह सारी चीजें आई एम वेरी वेरी ओपन प्लीज लेट मी नो अगर आप नहीं मुझे बताएंगे तो मैं तो सीरीज बना के गायब हो जाऊंगा सही हो गया और जब मैं सीरीज बना गैप हो जाऊंगा फिर ये दोबारा एनर्जी ला के ये सीरीज बनाने में बहुत टाइम लगेगा तो इट्स लाइक कटिंग एज स्टफ व्हाट वी आर डूइंग फॉर यू गाइस और दुआओं में याद रखें फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़